गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्यारा देश भारत दुनिया के 7 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से एक देश म्यांमार भी है। तो क्या आपको पता है भारत के नागालैंड राज्य के मौन जिले में एक ऐसा गांव है जिसका आधा हिस्सा भारत में है और आधा म्यांमार में है। और कुछ लोगों का घर तो ऐसा भी है जिनका किचन म्यांमार में है और बेडरूम भारत में है, यानी ये खाना म्यांमार में बनाते हैं और खाते हैं भारत में आराम से बैठकर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस गांव के लोगों को दोनों ही देशों की आधी आधी नागरिकता प्राप्त है। क्या आप इस गांव में कभी जाना चाहेंगे? फैक्ट नंबर 2, अगर आपकी हाइट कम है तो ये आपके लिए है। अगर आप किसी भी पेड़ से अमर बैल उतारते हैं, जी हाँ अमर बैल, अब ये क्या होता है और किसे कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, ये आपको खुद पता करना होगा। तो इसे उतार कर छाया में सुखा कर इसका चूरन बना कर इसे शहद के साथ मिलाकर खाने से हाइट बढ़ती है। ये तो पूरी राइमिंग हो गई, नहीं मजा नहीं आ रहा है। फैक्ट नंबर 3, गाइस क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम सिरिमा भंडार नायक था, क्या आपको ये पता था? फैक्ट नंबर 4, गूगल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसमें 1,39,995 एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेकिन इतने सारे एम्प्लॉयज में 14% ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो आज तक कभी कॉलेज नहीं गए हैं। तो फिर ये गूगल में काम कैसे कर रहे हैं? दरअसल गूगल इन्हें सिर्फ इनकी स्किल्स और इनकी सीखने की क्षमता को देखकर ही रखी है। फैक्ट नंबर 5, जापान एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, और ये बात तो हम सभी जानते ही हैं। और जापान ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा और सबसे तेज भूकंप आते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जापान एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिसकी मदद से घर को जमीन से कई फीट ऊपर हवा में उठाकर रखा जा सके ताकि भूकंप आने पर नुकसान ना हो। ऐसी चीजें तो सिर्फ जापान ही कर सकता है। फैक्ट नंबर 6, इस फैक्ट को सुनने के बाद आप शायद ये कहोगे कि ऐसे भी लोग होते हैं। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में एक 32 साल का व्यक्ति है जो एक साल से लगातार चमचे खा रहा था, और जब पेट में दर्द शुरू हुई तो हॉस्पिटल गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने 2 घंटे तक ऑपरेशन करने के बाद 62 चमचों को बाहर निकाला। इस व्यक्ति को खाना नहीं मिलता था क्या? फैक्ट नंबर 7, रानी एलिजाबेथ के मरने के बाद अब ब्रिटेन का राजा प्रिंस चार्ल्स है, ये तो सब जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं वो डूब मरे। गजब बेइज्जती है, मेरा मतलब जान ले, सॉरी। तो क्या आपको पता है कि प्रिंस चार्ल्स के पास एक ऐसी कार है जो 50 साल पुरानी है, और इस कार की खासियत ये है कि ये चलती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मेरा मतलब वाइन से चलती है, पूरा सुन लिया करो। और इसकी पीछे की वजह ये है कि वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं, बड़े लोगों के बड़े शौक। फैक्ट नंबर 8, चाइना जो आज पूरी दुनिया की सिरदर्द है, जो हर देश को कब्जा करना चाहता है, और चाइना की कुंफू पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना को कुंफू किसने सिखाया है और कौन सिखाएगा? एक भारतीय ही ने सिखाया था, मतलब आपको, जिनका नाम बौद्ध धर्म था। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।